पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है भसीन जी से जानने का आज के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो सर बधाई ले लीजिए आप REC और PFC के लिए, क्योंकि जी हाँ, आपके कॉल्स में भी था 1 से 2 दिन पहले, पर कल आपने फिर से एक बार रीइटरेट किया था कि इन प्राइसेस पे मिल रहा है। और आप देखिए, कल के स्टार परफॉर्मर्स रहे दोनों ही काउंटर्स। एक बार उस पर भी टिप्पणी कीजिए कि यहाँ से आप कितनी चाल देख रहे हैं, और साथ ही आज के लिए बाजार आपको कैसा दिख रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, आपको, डिम्पी और अभिषेक, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, 2-3 दिन से चल नहीं रहा था। मैंने आपको कहा था मिड कैप में ज्यादा पेसिमिज्म है, बुल मार्केट में करेक्शन शार्प और फिरोशियस होती है, लेकिन पुल बैक उससे भी तेज। REC PFC कल के स्टार्स थे। अभी भी मुझे लगता है इनमें 5% और है। ट्रेडर जिसने लिया उसको ऑलमोस्ट नीचे से 10% मिल गया, तो कहीं इनकैश कीजिए, कहीं बैठिए, लेकिन आपको मौके जब मिलते हैं तो चूकिए मत। PSUs आर द स्टार और स्टार रिमेन करेंगे। मैंने आपको IOC भी कहा था, आपको अगर ध्यान हो, 155, 58, 60, कल वो भी 165 है, 175 का टारगेट उसमें भी दिखता है मुझे। आज भी आपको एक PSU का नाम लूंगा जो मुझे आउट परफॉर्मर दिखता है। आपको और अपडेट दे दूं, RBL बैंक 228 वाला 250 रुपए का टारगेट था, वो हिट हो गया। ICICI शोक लीलैंड अभी बुलिश हूं मैं, और मैंने विप्रो और कोटक बैंक भी कह रखा है, वहां पे भी मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं। ये मेरी 2-3 दिन की कॉल्स हैं। आज आपके लिए 3 नहीं 4 कॉल्स हैं, और आप कहें तो मैं शुरू करूं। इसमें सिंपल लॉजिक ये है सृष्टि जी, 3 दिन की छुट्टी है, ग्लोबल बुल मार्केट रैली है, और एक्सपायरी में भी 3 दिन रह गए हैं अगले के हफ्ते के। तो आई थिंक यहाँ से मुझे एक बहुत स्वीट रैली दिख रही है। पहले तो इंडेक्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप उसमें इन सिंक रहेंगे, क्योंकि पेसिमिज्म ज्यादा प्ले आउट हो गई। नेक्स्ट वीक आई थिंक देयर कैन बी अ शॉर्ट स्क्वीज, और कुछ शॉर्ट्स बहुत यहां से आउट परफॉर्म करेंगे जो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, फिर भसीन साहब वो शेयर में बताइए। और दूसरा बताइए, आज गुड़गांव में तो आप नहीं लग रहे सर, कहीं बाहर हैं क्या आप? हाँ डीपी जी, पहले शेयर बता देता हूँ फिर बताता हूँ कहाँ हूँ। लेकिन मुझे दोनों गोल्ड लेंडर्स बहुत पसंद है। देखिए, गोल्ड न्यू हाई पे हो गया, और दूसरा गोल्ड के मार्जिन और उनका मार्केट शेयर अब और बढ़ेगा आफ्टर द रीसेंट एम्ब्रॉयडरी ऑन सर्टेन NBFC। मुझे लगता है मुथूट और मनापुरम आउट परफॉर्म करेंगे। दोनों ने लार्ज कैप में, मुथूट 1415-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस 1386, मुझे 1550 दिख रहा है। इसमें 100 रुपए की तेजी मुझे खड़े पांव दिख रही है। और मनापुरम 70-71-72 वाला मुझे लगता है ये कल ही ब्रेकआउट दिया है, और ये 185 तक जाएगा, इसमें स्टॉप लॉस आप रखिए 166। तीसरा, मैंने आपको रैमको सीमेंट भी 2-3 दिन से कह रहा था। रैमको सीमेंट ने कल एक बहुत अच्छा 1 month हाई भी दिया है, वहां भी मुझे लगता है 925-980 का टारगेट। लॉन्ग टर्म हुए तो ये 4 figure में जाएगा, क्योंकि सीमेंट प्राइसेस साउथ में बढ़ रही है। मेरे को यहाँ अब अंबुजा बहुत पसंद है, 582-585 पे स्टॉप लॉस 567 और 635 का टारगेट। और लास्ट में है मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन बैंक अभी भी बुक से, एक टाइम बुक से नीचे ट्रेड करता है। यूनियन बैंक की जो टर्न राउंड है वो सब बैंकों में सबसे बढ़िया है, और मिड कैप के और स्मॉल कैप। और मेरे को लगता है जिस तरह से कासा ग्रोथ, जिस तरह से उनका लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, यूनियन बैंक इस क्वार्टर में सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट तो मार्च में आएंगे, लेकिन लेने की आपके पास मौका है। 135 का स्टॉप लॉस, 174 का टारगेट है। ये आई थिंक नियर टू ऑल टाइम हाई, जिसका 165 था, ये 174 जाएगा। 135 का भी इसमें स्टॉप लॉस रखिए। हाँ, अब आप कहें तो मैं आपका दूसरा जवाब दूं। हाँ बिल्कुल सर, बताइए, वही तो सुनने के लिए बैठे हैं सर। कहाँ पे हैं आप आज? आपकी लोकेशन बदली हुई सी लग रही है। हाँ तो थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा है। मैं अपनी बेटी से मिलने लंदन आया, और होली वीक के छुट्टी लेने आया हूँ। होली वीक माने होली का समय, तो लंदन में 3 बजे है, 3:30 बजे सुबह आपके लिए। लेकिन हमारी जो कहते हैं, हमारी तरफ से चेष्टा रहती है कि इन्वेस्टर कमाए, सुबह सुबह उठ गए, और उसके बाद थोड़ा शेयर बाजार देखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन लंदन में 14-15 डिग्री है, तो ठंड के मौसम में आपके साथ बैठे हैं, और बाजार की जो है ना ठंडी को हवा, अच्छी हवा भेज रहे हैं, ताकि आपका बाजार भी 22,500 की तरफ जल्दी जल्दी पहुंचे। डीपी जी नहीं सर,
बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। और मैं आपके जज्बे को हमेशा से सलाम करता हूँ सर, आज भी सलाम कर रहा हूँ। आप सुबह 3:30 बजे, एक्चुअली ये लंदन का ब्रह्म मुहूर्त है जहाँ पर आप उठे हुए हो, तो आप अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप इतनी मेहनत करके हमको शेयर्स बता रहे हो, कोई मिस नहीं कर रहे, और आप मार्केट को वहाँ से भी देख रहे हो। सर इन्जॉय भी कीजिएगा, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़, और हम भी आपको होली की सेलिब्रेशंस और होली की इस बधाइयाँ ज़रूर देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। संजीव सर, थैंक यू वेरी मच सर।